हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं ऑनलाइन जस का। और आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ रेडमी के नए स्मार्टफोन रेडमी नोट 7 के बारे में। आज चाइना के अंदर रेडमी ने लॉन्च कर दिया अपना नया स्मार्टफोन रेडमी नोट 7, जो कि वास्तव में एक काफी अच्छा अपग्रेड है रेडमी नोट 6 प्रो का। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की, तो शाओमी के सारे ही फोन से अलग आपको डिजाइन इस फोन में देखने को मिलने वाला है। जैसे कि अभी तक सारे फोन आपको एल्यूमिनियम बैक के साथ या फिर प्लास्टिक मेटल फिनिश जैसी बैक के साथ देखने को मिलते थे, लेकिन ये जो स्मार्टफोन है आपको देखने को मिलेगा ग्लास बैक के साथ में, वो भी 2.5D कर्व्ड, और ये काफी अच्छे कलर्स में आपको देखने को मिलेगा। ग्रेडियंट लुक वाले कलर्स आपको देखने को मिलेगा, पिंक, ब्लू, ब्लैक, ये कलर्स ऑलरेडी लीक हो चुके थे और काफी बढ़िया लग रहे थे और आज ये लॉन्च हो गए हैं। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा अपग्रेड है फोन के अंदर वो है इसका कैमरा। फोन में आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा, सैमसंग का प्राइमरी सेंसर है और साथ में आपको सेकेंडरी कैमरा भी मिलता है, मतलब कि आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है। लेकिन जो सेकेंडरी कैमरा है वो पहले की तरह ही 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, लेकिन जो प्राइमरी कैमरा है एक बहुत बड़ा अपग्रेड है एक मीडियम रेंज के स्मार्टफोन के हिसाब से। और इस प्राइस में अभी तक इस तरह का कैमरा किसी ब्रांड ने इस्तेमाल नहीं किया है जो रेडमी ने कर दिखाया है। बाकी फोन के डिस्प्ले की बात करें तो फोन में आपको एकदम नया यू शेप्ड वाला नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि एक फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में है। प्रोटेक्शन की बात करें तो यहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाएगा, और काफी सारे वीडियो के लीक पहले भी निकल कर आए थे, तो जहां पर फोन के डिस्प्ले को तोड़कर दिखाया जा रहा था और फोन टूट नहीं रहा था, जो काफी अच्छी बात है। साथ के साथ आपको देखने को मिलेगा टाइप सी यूएसबी पोर्ट, ये भी एक काफी बढ़िया फीचर है इस स्मार्टफोन का। और साथ में फोन सपोर्ट करता है क्विक चार्ज 4.0 और बैटरी गई है फोन के अंदर पहले की तरह सेम 4000 mAh की, तो ये काफी अच्छी बात है। Redmi ने बैटरी के साइज को डिक्रीज नहीं किया, जनरली जब फोन्स को अपग्रेड किया जाता है तो उनकी बैटरी कैपेसिटी को थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया जाता है। अभी तक के स्पेसिफिकेशंस तो काफी बढ़िया लग रहे हैं। अब बात करें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर भी काफी अच्छा इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा सा पुराना जरूर है लेकिन काफी अच्छा प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 660 जो कि 2.2 GHz पर क्लॉक्ड है। साथ में आपको Redmi Note 7 के तीन वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, 3GB RAM, 32GB इंटरनल मेमोरी, 4GB RAM, 64GB इंटरनल मेमोरी और 6GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी। तो स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स तो काफी बढ़िया है, लेकिन फोन का प्राइस भी बढ़िया होना चाहिए। तो इस फोन का प्राइस भी काफी बढ़िया है। चाइना में इसको लॉन्च किया गया है, बेस वेरिएंट 3GB रैम, 32GB इंटरनल मेमोरी वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 999 युआन का, जिसको अगर इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 3GB 32GB इंटरनल मेमोरी वाला वेरिएंट इंडिया के अंदर मिल जाएगा करीब 10,000 रुपए का, 4GB 64GB वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा करीब 12,000 रुपए का, और 6GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा करीब 14,000 रुपए के आसपास। और इस प्राइस में ये वाले फोन अगर इंडिया के अंदर आ जाते हैं तो वास्तव में एक काफी बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी रियलमी और एसुस के काफी सारे स्मार्टफोन्स इस प्राइस सेगमेंट में अवेलेबल हैं। और इस प्राइस रेंज में जब ये इंडिया के अंदर आएगा तो एसुस और रियलमी को सोचना पड़ेगा थोड़ा सा अपने स्मार्टफोन के प्राइस को, या तो थोड़ा सा डिक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको अगर कंपेयर करें तो Redmi Note 7 एक काफी बेहतर डिवाइस है इस प्राइस सेगमेंट में। इंडिया में अवेलेबिलिटी की बात करें तो एक्सपेक्टेड है फरवरी के हाफ में आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया के अंदर। आप मुझे जाके बताइएगा नीचे कमेंट में आप कितने एक्साइटेड हैं Redmi के नोट 7 को लेकर। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, तो जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।